बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज मुर्तजा कायद फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस। वेलकम टू द समरी लेक्चर ऑफ आई स्टडी टू, दैट इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंटेशन। आई स्टडी टू के इस स्टैंडर्ड में तीन चार चीजों के ऊपर डिस्कशन की गई है। नंबर वन इज क्लासिफिकेशन इज फाइनेंशियल लाइबिलिटी और इक्विटी। नंबर टू ऑफसेटिंग ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड फाइनेंशियल लाइबिलिटी। नंबर थ्री ट्रेजरी शेयर्स। और कुछ डिटेल डिस्कशन की गई है कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फाइनेंशियल लाइबिलिटी और इक्विटी की क्लासिफिकेशन, अगर एक कंपनी अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए, अपने बिजनेस को रन करने के लिए इन्वेस्टर से फंड्स लेती है, तो उन आने वाले फंड्स को हम एज अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी या इक्विटी कैसे क्लासिफाई करेंगे, ये कंक्लूड होगा, ये डिटरमाइन होगा कि क्या हमारी कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है टू ट्रांसफर इकोनॉमिक बेनिफिट। इफ येस, तो इसका मतलब है कि कंपनी के पास आने वाला फंड फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। इफ नो, तो इसका मतलब है कि कंपनी के पास आने वाला फंड इक्विटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी बैंक से लोन लेती है या रिलेटेड पार्टी से लोन लेती है, तो अब कंपनी की कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन बनती है, चाहे कंपनी प्रॉफिट क्रिएट करे चाहे कंपनी लॉस क्रिएट करे, कंपनी को अपने लेंडर्स को इंटरेस्ट और लोन की रिपेमेंट करनी ही करनी है, यानी कि कंपनी की कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है, तो ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। लेकिन अगर एक कंपनी अपने इक्विटी होल्डर से या ऑर्डिनरी शेयर होल्डर से लोन लेती है, इन्वेस्टमेंट्स लेती है, तो कंपनी की कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं, अलबत्ता इथिकल ऑब्लिगेशन है कि कंपनी को उनको डिविडेंड या गेन कमा कर देना है, लेकिन कंपनी को कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है। कंपनी प्रॉफिट और कैश फ्लो जनरेट करेगी तो कंपनी डिविडेंड देगी, अदरवाइज कंपनी डिविडेंड नहीं देगी। तो अगर हमारी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है, तो हम अपने आने वाले फंड्स को एज अ इक्विटी क्लासिफाई कर रहे होंगे। जो भी रिकॉग्निशन है वो हम इनिशियली डिटरमाइन करेंगे कि हमारे पास आने वाला फंड आइदर फाइनेंशियल लाइबिलिटी है या इक्विटी है, और फिर इस क्लासिफिकेशन को हम सब्सिक्वेंटली चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह से आई स्टडी टू में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया ट्रेजरी शेयर्स के हवाले से। ट्रेजरी शेयर्स का मतलब है वो शेयर्स जो कंपनी बायबैक कर ले, कंपनी रीएक्वायर कर ले। अगर कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर से शेयर्स को रिपर्चेस कर लेती है, बायबैक कर लेती है, तो जो शेयर्स कंपनी ने रिपर्चेस कर लिए, बायबैक कर लिए, उन शेयर्स को हम ट्रेजरी शेयर्स कह रहे होते हैं। ट्रेजरी शेयर्स की रिपर्चेस पे जो गेन और लॉस आएगा, इसे हम पीएनएल में रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, इसे हम डायरेक्टली इक्विटी में क्लोज कर लेंगे। अगर कंपनी अपने इक्विटी होल्डर से शेयर्स को बायबैक कर लेती है, रीएक्वायर कर लेती है, तो जो भी इनको कंसिडरेशन पे करेगी वो आपकी इक्विटी में ही डेबिट हो रही होगी, कोई गेन और लॉस पीएनएल में रिकॉग्नाइज नहीं होगा। इसका रीजन ये है कि कंपनी कभी भी अपने ओनर्स या अपने शेयर होल्डर के साथ ट्रांजेक्शन करके गेन या लॉस पीएनएल में रिकॉर्ड नहीं करती है। थर्डली, आई स्टडी टू का स्टैंडर्ड फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लाइबिलिटी की ऑफसेटिंग की बात करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक ही पार्टी की तरफ, एक ही एंटिटी की तरफ रिसीवेबल या पेबल बैलेंस आ रहा हो, फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लाइबिलिटी आ रहा हो, तो आई स्टडी टू इस बात की इजाजत देता है कि हम उसे ऑफसेट कर सकते हैं। यानी कि अगर मेरा कोई वेंडर है या सप्लायर है और साथ साथ वो मेरा कस्टमर भी है, और एक ही कस्टमर या एक ही वेंडर की तरफ हमारा रिसीवेबल या पेबल आ रहा है, तो हम इस रिसीवेबल पेबल के फाइनेंशियल एसेट फाइनेंशियल लाइबिलिटी को आपस में ऑफसेट भी कर सकते हैं, अगर ये दो कंडीशंस पूरी हो। नंबर वन, इट इज लीगली इन्फोर्सेबल राइट टू ऑफसेट, एंड देयर इज एन इंटेंशन टू सेटल नेट और बोथ अमाउंट साइमल्टेनियसली। नंबर वन, ऑफसेटिंग लीगली इन्फोर्सेबल हो, एंड नंबर टू हमारी इंटेंशन हो कि हम इसे नेट पे सेटल करेंगे, यानी कि नेट हमें जो पे करना है या हमें जो रिसीव करना है, हम सिर्फ नेट अमाउंट पे या रिसीव कर रहे होंगे, या फिर दोनों ट्रांजेक्शन्स को साइमल्टेनियसली क्या कहते हैं कंक्लूड कर रहे होंगे, सेटल कर रहे होंगे। अगर ये दो कंडीशंस पूरी होती है, तो हम अपने फाइनेंशियल एसेट फाइनेंशियल लायबिलिटी को आपस में ऑफसेट कर सकते हैं। ये जो हमारा राइट ऑफ सेट ऑफ है, ये कंटिंजेंट नहीं होना चाहिए किसी फ्यूचर इवेंट पे। अगर हमारा राइट ऑफ सेट ऑफ किसी फ्यूचर इवेंट पे कंटिंजेंट है, तो फिर वहां पे ऑफसेटिंग अलाउड नहीं है। ये जो हमारा राइट ऑफ सेट ऑफ है, ये लीगली इन्फोर्सेबल होना चाहिए सारे सर्कमस्टांसेस में, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में या डिफॉल्ट के केस में या इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी के केस में, इन सारे केसेस में हमारा ये ऑफसेट का राइट लीगली इन्फोर्सेबल होना चाहिए। तो इन कंडीशंस के पूरे होने पे हम अपने फाइनेंशियल एसेट फाइनेंशियल लायबिलिटी को आपस में ऑफसेट कर सकते हैं। इसके बाद जो मेजर डिस्कशन आई स्टडी टू करता है, वो करता है कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की। देखिए, मैंने आपसे कहा कि अगर एक कंपनी अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए, अपने बिजनेस को रन करने के लिए इन्वेस्टर से फंड लेती है, तो ये फंड या तो फाइनेंशियल लायबिलिटी होगा या इक्विटी होगा। इसकी क्लासिफिकेशन डिपेंडेंट है कि आइदर हमारी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है इकोनॉमिक बेनिफिट्स को रिपे करने की, ट्रांसफर करने की। इफ येस, तो ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है। इफ नो, तो ये इक्विटी है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमने कुछ इस तरह से फंड्स मैनेज किए, कुछ इस तरह से फंड्स रिकवर किए इन्वेस्टर से, जिसमें फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी दोनों के कलर साथ मौजूद हो, तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपने एक लेंडर से लोन लिया और लेंडर के साथ एक इंटरेस्ट रेट डिसाइड किया, लेंडर के साथ एक मैच्योरिटी पीरियड डिसाइड किया,
और लेंडर को ये ऑप्शन दे दिया कि लेंडर चाहे तो मेच्योरिटी पे अपना लोन रिपे करवा ले या हमारी कंपनी के शेयर्स ले ले, तो फिर इस तरह के केस में इस तरह का इंस्ट्रूमेंट कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। क्योंकि अगर लेंडर पैसे रिपे मांगता है तो हमें पैसे रिपे करने पड़ेंगे, अगर लेंडर शेयर्स मांगता है तो हमें शेयर्स देने पड़ेंगे, इक्विटी होल्डर बनाना पड़ेगा। तो इस तरह के अरेंजमेंट में, इस तरह की बोरिंग्स में हमारे पास इक्विटी और लायबिलिटी दोनों के ही कलर साइमल्टेनियसली मौजूद है और इसे हम कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स कह रहे होते हैं। अब कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स की क्लासिफिकेशन किस तरह से होगी, ये डिपेंड करता है कि कन्वर्जन टर्म्स क्या है, कन्वर्जन मैंडेटरी है या कन्वर्जन ऑप्शनल है। तो मैंने इस डायग्राम में पहले तो समराइज करने की कोशिश की है कि कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स को हम कैसे कैसे क्लासिफाई करेंगे, फिर हम कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपने ये देखना है कि अगर आपने कोई कन्वर्टेबल लोन या कोई कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट इशू किए तो क्या ये कन्वर्जन इंटू फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स है या ये कन्वर्जन इंटू वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स है। कन्वर्जन इंटू फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स का मतलब है कि आपने एक एक्स अमाउंट का लोन लिया और आपने डे वन पे ही डिसाइड कर लिया कि फ्यूचर में इतने शेयर्स इशू किए जाएंगे। कन्वर्जन इंटू वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स का मतलब है कि आपने एक एक्स अमाउंट का लोन लिया और आपने ये डिसाइड किया कि जब भी कन्वर्जन एक्सरसाइज होगी तो लोन के अमाउंट को कन्वर्जन डेट की शेयर्स की मार्केट वैल्यू से डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए जाएंगे, तो ये वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स में कन्वर्जन कहलाई जाएगी। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि क्या कन्वर्जन इंटू फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स है या कन्वर्जन इंटू वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स है। अगर कन्वर्जन इंटू वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स है तो इसमें डिफरेंट पॉसिबिलिटी हो सकती है। मैंडेटरी कन्वर्जन, यानी कि मैंडेटरी है कि आगे जाके ये लोन रिपे नहीं होगा बल्कि शेयर्स में ही कन्वर्ट होगा, या ऑप्शनल कन्वर्जन हो सकती है। अगेन ऑप्शनल कन्वर्जन है तो ऑप्शन बोरोअर के पास हो सकता है, यानी कि जिस कंपनी ने लोन लिया है उसकी मर्जी है कि वो लोन रिपे करे या शेयर्स इशू करे, या फिर ऑप्शन लेंडर के पास हो सकता है कि जिस इन्वेस्टर ने पैसा दिया है उसके पास ही ऑप्शन हो कि वो लोन की रिपेमेंट ले या शेयर्स ले, तो इस केस में ऑप्शन लेंडर के पास होगा। इन एनी केस अगर कन्वर्जन इनटू वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स, अगर कन्वर्जन इनटू वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स है तो चाहे मैंडेटरी कन्वर्जन हो, चाहे ऑप्शनल कन्वर्जन हो, चाहे ऑप्शन बोरोअर के पास हो, चाहे ऑप्शन बोरोअर लेंडर के पास हो, इन तीनों ही केसेस में ये इंस्ट्रूमेंट आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी कहलाया जाएगा। अगर कन्वर्जन इनटू वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स है, यानी कि कन्वर्जन के दिन लोन की अमाउंट को डिवाइड किया जाएगा मार्केट वैल्यू पर शेयर और जो भी नंबर ऑफ शेयर्स डिटरमाइन होंगे उतने शेयर्स इश्यू किए जाएंगे, तो फिर चाहे मैंडेटरी कन्वर्जन हो, ऑप्शनल कन्वर्जन हो, ऑप्शनल कन्वर्जन में ऑप्शन बोरोअर के पास हो या लेंडर के पास हो, इन तीनों ही केसेस में ये फाइनेंशियल लायबिलिटी इनिशियली रिकॉग्नाइज होगा। अगर आगे जाके कन्वर्ट हो जाता है, अगर आगे जाके कन्वर्जन ऑप्शन एक्सरसाइज हो जाता है, तो फिर हम अपनी फाइनेंशियल लायबिलिटी को इक्विटी में ट्रांसफर कर देंगे, इक्विटी में रिक्लासिफाई कर देंगे, फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम क्रेडिट कर देंगे। लेकिन अगर कन्वर्जन टर्म इंटू फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स, यानी कि हमने डे वन पे डिसाइड कर लिया कि फ्यूचर में इतने नंबर ऑफ शेयर्स या इस रेशियो में शेयर्स इशू किए जाएंगे, अब यहां भी डिफरेंट पॉसिबिलिटी होंगी, या तो मैंडेटरी कन्वर्जन होगी या ऑप्शनल कन्वर्जन होगी। ऑप्शनल कन्वर्जन है तो ऑप्शन बोरोअर के पास है, ऑप्शन लेंडर के पास है। अगर तो कन्वर्जन इंटू फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स है और मैंडेटरी कन्वर्जन है तो ये सॉर्ट ऑफ कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। रीजन बीइंग कि जब तक कन्वर्जन एक्सरसाइज नहीं होगी तब तक आपने इस फंड्स के ऊपर इंटरेस्ट तो पे करना ही करना है, तो जो इंटरेस्ट का पोर्शन है वो लायबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। लोन की रिपेमेंट नहीं होगी क्योंकि लोन मैंडेटरी शेयर्स में कन्वर्ट ही होगा, तो सिर्फ इंटरेस्ट का पोर्शन लायबिलिटी है, बाकी जो लोन का प्रिंसिपल अमाउंट है ये आपकी इक्विटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इसको कैसे बाइफरकेट किया जाएगा बिटवीन इक्विटी एंड लायबिलिटी, ये हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की हेडिंग में। इसी तरह अगर कन्वर्जन इनटू फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स में कन्वर्जन ऑप्शनल है तो ऑप्शन बोरोअर के पास हो सकता है, लेंडर के पास हो सकता है। अगर ऑप्शन बोरोअर के पास है तो ये भी एक कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। रीजन बीइंग कि अगर बोरोअर के पास ऑप्शन है तो मोस्ट लाइकली है कि बोरोअर शेयर्स ही इशू करेगा, लोन रिपे नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी कंपनी फंड्स का आउटफ्लो नहीं चाहती, हर कंपनी अपना कैश मेंटेन करना चाहती है, अपने पास फंड्स रखना चाहती है। तो अगर कन्वर्जन ऑप्शन बोरोअर के पास है तो बोरोअर इंटरेस्ट तो पे करेगा जब तक कि कन्वर्जन नहीं होती, लेकिन कन्वर्जन के वक्त, ऑप्शन एक्सरसाइज करने वक्त वो कन्वर्जन ही एक्सरसाइज करेगा रादर देन रिपेइंग द अमाउंट इन कैश। तो ये भी एक कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन टू द एक्सटेंट ऑफ इंटरेस्ट रिपेमेंट। जो लोन है वो आपका अल्टीमेटली कन्वर्ट ही होगा, तो लोन का अमाउंट इक्विटी का पार्ट बनेगा, जो इंटरेस्ट की पेमेंट है वो लायबिलिटी का पार्ट बनेगी। लेकिन अगर कन्वर्जन इंटू फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स है और ऑप्शनल कन्वर्जन में ऑप्शन लेंडर के पास है, तो अब हमें नहीं पता कि आने वाले वक्तों में लेंडर क्या करने वाला है। आने वाले वक्तों में लेंडर लोन की रिपेमेंट मांगेगा या आने वाले वक्तों में लेंडर लोन कन्वर्ट करवाएगा, तो अब ये एक्चुअली कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का कॉन्सेप्ट ट्रिगर हो रहा होगा। यहाँ पे हम कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कंसिडर करेंगे और एक स्प्लिट अकाउंटिंग करेंगे जिसे हम डिस्कस करते हैं।
प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पोर्शन दोनों यहाँ पे लाइबिलिटी बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। तो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि हमने कहा कि एक ऐसा नॉन डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें दोनों फीचर्स हैं, कुछ फाइनेंशियल लाइबिलिटी है कुछ इक्विटी है। फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्या है? फाइनेंशियल लाइबिलिटी इश्यूअर की यानी कि बोरोअर की कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है टू पे कैश। ये कैश इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो सकता है, ये कैश लोन के अगेंस्ट हो सकता है। बाकी एक इक्विटी ऑप्शन है कि ये आने वाले वक्तों में शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा या हो सकता है। तो अगर कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है तो इसमें बेसिकली दो एलिमेंट्स है, नंबर वन इज फाइनेंशियल लाइबिलिटी, नंबर टू इज इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। अब इस केस में हमें एक स्प्लिट अकाउंटिंग करनी पड़ती है, यानी डे वन पे जो भी हमारे पास फंड्स आएंगे, इसे हम लाइबिलिटी और इक्विटी में सेपरेट कर रहे होंगे, स्प्लिट कर रहे होंगे। इसके तरीकाकार क्या है कि पहले आप अपने इंस्ट्रूमेंट की टोटल फेयर वैल्यू यानी कि जो डे वन पे आपने टोटल कैश कलेक्ट किया है अगेंस्ट द इन्वेस्टमेंट वो देखोगे। इसमें से आप फाइनेंशियल लाइबिलिटी की फेयर वैल्यू को लेस कर दोगे। ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी की फेयर वैल्यू कैसे डिटरमाइन होगी? सर, जो भी हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज बनते हैं उनको हम मार्केट इंटरेस्ट रेट, उनको हम लाइबिलिटी के मार्केट इंटरेस्ट रेट से डिस्काउंट करेंगे। प्रैक्टिकली होता क्या है कि अगर एक नॉर्मल लोन मार्केट में चल रहा है लेट से 15% का, और आपने एक ऐसा लोन रेस किया जिसमें ये कन्वर्जन फीचर या कन्वर्जन ऑप्शन है, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर जो रिटर्न दिया जाएगा वो 15% नहीं बल्कि 15% से कम दिया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल 13% दिया जाएगा। तो पहले आपने अपने इंस्ट्रूमेंट की टोटल फेयर वैल्यू ली, इसमें से लाइबिलिटी कंपोनेंट की फेयर वैल्यू माइनस करोगे। कैसे? 13% के हिसाब से जो आपने कूपन पे करने हैं आप उनको प्लॉट करोगे, जो प्रिंसिपल रिपेमेंट करनी है आप उनको प्लॉट करोगे, और इन फ्यूचर कैश आउटफ्लोज की, इन फ्यूचर कॉन्ट्रेक्चुअल कैश आउटफ्लोज की आप डिस्काउंटिंग करोगे यूजिंग द लाइबिलिटी रेट, एक ऐसा रेट कि अगर इसमें कन्वर्जन ऑप्शन ना होता जो कि हमारी एग्जाम्पल में है 15%, तो आपके पास फाइनेंशियल लाइबिलिटी का पोर्शन आ जाएगा, और जो भी फिर रेजिडुअल या डिफरेंशियल होगा ये हमारे इक्विटी कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अगेन ये जो स्प्लिट अकाउंटिंग है हम ये इनिशियल रिकॉग्निशन के वक्त स्प्लिट अकाउंटिंग करेंगे और सब्सिक्वेंटली फिर अपने स्प्लिट अकाउंटिंग को रिवाइज नहीं करेंगे अगर इंटरेस्ट रेट, शेयर प्राइस या पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सरसाइज ऑफ कन्वर्जन ऑप्शन में कोई चेंज वगैरह आता है। अगर हमने इस कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की इश्यूएंस पे कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट इनकर की तो इस ट्रांजेक्शन कॉस्ट को भी हम फाइनेंशियल लाइबिलिटी और इक्विटी में स्प्लिट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दियर इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड अमाउंट। यानी कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमने 1000 रुपए का लोन रेस किया है जिसमें से 800 फाइनेंशियल लाइबिलिटी बनता है, 200 इक्विटी बनता है, तो जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट आएगी उसे भी आप 800-200 में ब्रेक करोगे। जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट लाइबिलिटी से पर्टेन करती है वो लाइबिलिटी में चली जाएगी, जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट इक्विटी से पर्टेन करती है वो आपकी इक्विटी में चली जाएगी। ट्रांजेक्शन और इशू कॉस्ट ऑन कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विल बी एलोकेटेड ऑन प्रो रेटा बेसिस ऑफ इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड अमाउंट ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटी। फिर हम बात करते हैं कि आने मतलब जब हमारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या कंपाउंड फाइनेंशियल में इशू होगा तो जो भी हमारे पास कैश डेबिट हो रहा होगा कुछ पोर्शन हमारा फाइनेंशियल लाइबिलिटी में क्रेडिट होगा, कुछ पोर्शन हमारा इक्विटी में क्रेडिट होगा। इसी तरीके से हमने जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट इनकर की उसे हम लाइबिलिटी और इक्विटी दोनों में सेपरेट करेंगे, तो जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट इक्विटी से पर्टेन करती है वो इक्विटी में डेबिट हो जाएगी, जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट लाइबिलिटी से पर्टेन करती है वो हमारी लाइबिलिटी में डेबिट हो जाएगी। अब आगे जाकर या तो कन्वर्जन ऑप्शन एक्सरसाइज होगा या कन्वर्जन ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होगा। अगर तो कन्वर्जन ऑप्शन एक्सरसाइज होता है तो जिस वक्त कन्वर्जन ऑप्शन एक्सरसाइज होगा आप अपनी फाइनेंशियल लाइबिलिटी को डेबिट करोगे, शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम को क्रेडिट कर दोगे, जो भी अमाउंट आपकी बुक्स में रिकॉर्डेड है फाइनेंशियल लाइबिलिटी के अगेंस्ट उसे आप डेबिट करोगे और सामने वाले को शेयर इशू कर दोगे। और अगर कन्वर्जन ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होता तो जो भी आपके अमाउंट फाइनेंशियल लाइबिलिटी का रिकॉर्डेड है वो डेबिट होगा और कैश एंड बैंक क्रेडिट हो रहा होगा। आम हालात में अगर मेच्योरिटी डेट पे कन्वर्जन ऑप्शन एक्सरसाइज होता है तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी डेबिट, शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम क्रेडिट। अगर कन्वर्जन ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होता तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी डेबिट और कैश एंड बैंक क्रेडिट हो रहा होगा। फिर ऐसा भी हो सकता है कि कन्वर्जन ऑप्शन वक्त से पहले एक्सरसाइज हो जाए यानी कि अंडी कन्वर्जन हो, या कन्वर्जन ऑप्शन एक्सरसाइज ना हो लेकिन अर्ली रिपर्चेज हो जाए कि हम वक्त से पहले इस लोन को रिपे कर दें। तो अगर कन्वर्जन ऑप्शन वक्त से पहले एक्सरसाइज हो जाता है तो जितना भी फाइनेंशियल लाइबिलिटी आपकी बुक्स में रिकॉर्डेड है उसे आप डेबिट करोगे, शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम क्रेडिट कर दोगे। अगर अर्ली कन्वर्जन एक्सरसाइज करने के लिए आप सामने वाले को कुछ एडिशनल शेयर्स दे रहे हो तो जो भी आप एडिशनल शेयर्स दोगे उसे आप पीएनएल में रिकॉग्नाइज कर दोगे। इफ फेवरेबल कन्वर्जन रेशियो इज ऑफर्ड फॉर अर्ली कन्वर्जन द फेयर वैल्यू ऑफ एडिशनल शेयर्स गिवन अंडर द रिवाइज्ड टर्म इज रिकॉग्नाइज्ड एज लॉस इन पीएनएल। अगर बोरोअर लेंडर को इंड्यूस करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए कि वो कन्वर्जन ऑप्शन वक्त से पहले एक्सरसाइज कर दे, तो जो ओरिजिनली अग्रीड शेयर्स इशू किए जाएंगे
उसके अगेंस्ट फाइनेंशियल लाइबिलिटी डेबिट, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम क्रेडिट। लेकिन अर्ली कन्वर्जन ऑप्शन को एक्सरसाइज करने के लिए अगर आप सामने वाले को कुछ ज्यादा शेयर्स की लालच देते हो तो जितने एडिशनल शेयर्स इश्यू किए जाएंगे उसे हम पीएनएल में मार्केट वैल्यू पे लॉस रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे। इसी तरह अगर इस कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की अर्ली रिपर्चेस होती है, यानी वक्त से पहले ये लोन रिपे करने की नौबत आती है, वक्त से पहले आप रिपे करना चाहते हो लोन को, तो इस केस में आप अपनी रिपर्चेस प्राइस, आप अपनी रिपेमेंट अमाउंट को भी ब्रेक करोगे बिटवीन द फाइनेंशियल लायबिलिटी एंड इक्विटी कंपोनेंट। आप वही रूल अप्लाई करोगे जो आपने डे वन पे अप्लाई किया था, यानी कि आप जो भी अमाउंट रिपे कर रहे हो आप ये देखोगे कि आपके जो लायबिलिटी के कैश फ्लोज हैं उस लायबिलिटी के कैश फ्लोज की मार्केट वैल्यू या फेयर वैल्यू क्या बन रही है एट द टाइम ऑफ रिपर्चेस। जो भी रिपर्चेस रिपेमेंट अमाउंट है उसमें से जो लायबिलिटी का पोर्शन होगा वो लायबिलिटी की रिपेमेंट के लिए होगा, जो डिफरेंशियल या रेजिडुअल पोर्शन होगा वो इक्विटी की रिपर्चेस के लिए होगा। अलोकेट द कंसिडरेशन पेड एंड ट्रांजेक्शन कॉस्ट फॉर अर्ली रिपर्चेस टू द लायबिलिटी एंड इक्विटी कंपोनेंट इन द सेम मैनर दैट इट इज यूज इन द ओरिजिनल एलोकेशन ऑफ द प्रोसीड रिसीव्ड बाय द एंटिटी व्हेन कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट वाज इश्यूड। एनी गेन और लॉस इज रिकॉग्नाइज्ड एज फॉलो। लायबिलिटी पोर्शन पे अगर कोई गेन और लॉस आता है तो पीएनएल में चला जाएगा, इक्विटी पोर्शन की रिपर्चेस पे कोई गेन और लॉस आता है तो हमारा इक्विटी में चला जाएगा। वही रूल के तहत मैं अपनी रिपेमेंट अमाउंट को बाइफर्केट करूंगा बिटवीन द रिपेमेंट ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी एंड द रिपर्चेस ऑफ इक्विटी जो मैंने डे वन पे किया था, यानी मैं फ्यूचर कैश फ्लोस की मार्केट रेट से डिस्काउंटिंग करूंगा ऑन द अर्ली रिपर्चेस डेट। जो भी अमाउंट आएगा वो हमारी लायबिलिटी की रिपेमेंट है, जो भी एक्सेस अमाउंट आएगा वो हमारी इक्विटी की रिपर्चेस के अगेंस्ट है। लायबिलिटी की रिपेमेंट पे कोई गेन और लॉस आता है तो ये पीएनएल में जाएगा, इक्विटी की रिपेमेंट पे अगर कोई गेन और लॉस आता है तो ये आपका इक्विटी में ही रिकॉर्ड हो जाएगा। तो यहां तक हमने IAS 32 दैट इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंटेशन के स्टैंडर्ड को समराइज किया है। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स में हम फर्दर चीजों को डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।